परसेंट फिल्टर है। इसमें हम करते हैं जैसे गंदा पानी होता है ना, जैसे ये गंदा पानी, तो हम इसमें पहले तो मैं बता देता हूँ कैसे बनना है। ये होती है रेत, पहली लेयर है ये, दूसरी होती है छोटी बजरी जो बड़ी होती है, और तीसरी होती है थोड़ी मोटी बजरी जिससे घर भर बनते हैं लोहे। तो इसमें होता ये है कि हम जैसे गंदा पानी डालते हैं थोड़ा, तो वो इनके थ्रू मतलब इनके जो छोटे छोटे फिल्टर होता है ना, उसका पानी नीचे रिसाव होता है, नीचे वो पहली लेयर से जाता है दूसरी से जाता है, तो गंदगी सारी इसमें रह जाती है, और जो साफ पानी होता है ना वो यहाँ पर आ जाता है, इसमें कलेक्ट कर सकते हैं मतलब कहीं में। तो मतलब जैसे कई लोग हैं जो बिजली नहीं होती, फिल्टर नहीं होता, या मतलब जो पिछड़े इलाकों में रहते हैं लोग, तो वो ये बना सकते हैं अपने घर में। इसकी कॉस्ट बहुत कम है, कुछ नहीं, मेरे ख्याल से बॉटल तो कहीं भी पड़ी मिल जाती है, और ये रेत जगह होता ही है। और इसमें आपको इसमें एक ना बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया से वो होते हैं जीवाणु होते हैं जो इस पानी को फिल्टर करने में मदद करते हैं हमारी मिट्टी में। हाँ, मिट्टी में मतलब जीवाणु होते हैं थोड़े, तो वो तो साइंस में पढ़ा था कि फिल्टर होता है, लेकिन इतना कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। वही मतलब हम बना के लाए हैं अपनी तरफ से, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा मतलब फिल्टर हो गया है पानी। ये देखिए, इसमें हमने छेद करे हैं, इसका यूज भी हो गया। तो देखिए, थोड़ा पानी डालूंगा मैं, क्योंकि ना पानी पानी हो जाएगा नहीं तो। इसकी कितने मिनट की वीडियो बननी है? 5 मिनट की। देखिए इस पानी को आप खुद ही, इतना साफ हो गया। और इसे देखिए, बायोसैंड फिल्टर है ये, इसमें कई सारी लेयर्स हैं। ये पहली है, दूसरी है पतली बजरी की, तीसरी, हाँ आप निकल जाइए बोलता रहना, तो तीसरी है मोटी बजरी की। तो पानी जो हम गंदा पानी जैसे ये है ना, ये इसमें डालते हैं, तो इसमें मैंने छेद करे हुए पर छोटे छोटे, तो जैसे गंदा पानी हमने डाला इस पर, मैं वो अभी निकलेगा नहीं थे, जल्दी निकल जाए, हाथ में दे दे मेरे। मैंने गंदा पानी डाला है, देखिए, तो यहाँ से साफ पानी निकलेगा इसमें से। तो मैम अपना समझाता हूँ आपको, देखो इससे काफ़ी साफ है, जो मैंने बहुत मिट्टी वाला पानी डाला था। ये ऐसा इसलिए होता है, ये जो मिट्टी है ना, इसमें बहुत ही पतले पतले छेद होते हैं, इसमें बहुत ही कम जगह होगी, इससे नीचे वाले में थोड़ी ज़्यादा जगह होगी। नीचे वाली मोटी बजरी तो देखिए ना, मतलब दूर दूर होती है काफ़ी, तो जो सबसे पहली ये लेयर होती है ना, इसमें से पानी निकलता है, वो फिर दूसरी में जाता है, तो गंदगी जो है ना ऊपर रह जाती है। देखिए इतनी गंदगी थी, ऊपर रह गई ऐसे, मतलब वो पकड़ लेते हैं, ये जो लेयर है ना ये वाली, ये थोड़ी कम गंदगी पकड़ ली इसने, फिर थोड़ी इसने ज़्यादा पकड़ ली, ऐसे ऐसे गंदगी ना ऊपर ही रह जाती है, और साफ पानी नीचे से, ये देखिए छेद नीचे से है ना, ये नीचे से आ जाता है बस। तो इसमें एक जगह ऐसी भी होती है, बैक्टीरिया का नाम सुना आपने, मतलब एक ऐसे ये जीव होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनसे पानी साफ होता है, तो उसकी ना एक पतली सी वो बन जाती है लेयर इसके और इसके बीच में, इस लेयर में वो पानी साफ कर देती है हमारा। तो ये मतलब ऐसे काम करता है ये। और अगर मतलब किसी के घर में फिल्टर ना हो, तो मतलब ये हमने तो छोटे लेवल पे बनाया है, थोड़े बड़े लेवल पे और अच्छी तरह बनाए हैं, तो इससे पीने का पानी भी निकाल सकते हैं हम, इससे पीने का, इससे जो पानी निकलेगा उसे उबाल के पी भी सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू, धन्यवाद। इसमें कोई भी गंदा पानी हो ना, जो गंदे पानी को हम ऊपर से डालते हैं, और इसमें लेयर बनी हुई है, मतलब तीन लेयर है इसमें, एक सैंड है ऊपर, नीचे थोड़ी उससे पतली बजरी है, और सबसे नीचे थोड़ी मोटी बजरी है। तो मैम अब ये है यहाँ पर एक छेद, इससे पानी निकलता है थोड़ा ऊपर की तरफ है, जिससे मिट्टी ना आए। अब इसमें हम करते क्या हैं, इसमें ऊपर पानी डालते हैं गंदा, जितना गंदा पानी होता है यहाँ डालते हैं, तो वो नीचे इसमें छेद हुए हुए हैं, तो इससे फिल्टर होता है, जितनी थोड़ा मोटी मोटी गंदगी होती है वो ऊपर रह जाती है,
और फिर जो थोड़ा साफ पानी होता है वो इसमें जाता है, और ये जो इसके अंदर पोर्स है ना, छोटे छोटे छिद्राणु कुछ कहते हैं, छिद्राणु ऐसी कुछ कहते हैं, हाँ मुँह पता नहीं, हाँ तो मतलब वो पानी होता हुआ इनसे पहली इसको मिट्टी को पार करते हुए थोड़ी मोटी उस पे जाता है बजरी पे, पतली बजरी पे, फिर मोटी बजरी पे, फिर यहाँ से पानी निकलता है थोड़ा, वो साफ पानी होता है, और इस पे यहाँ पर एक लेयर बनती है, जो अच्छे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनकी एक लेयर बनती है, उधर भी करना तो मतलब वो पानी को ना साफ करके रखते हैं, कहीं उसी के ऊपर भेज जाए। अब मैं हम करके दिखाते हैं, थोड़ा गंदा पानी होगा थोड़ा, मतलब गंदा पानी है तो मतलब यहाँ से अब साफ निकलेगा, देखो निकलने लगा कंपैरेटिवली, मतलब उससे जो है बहुत साफ है। तो फिर नीचे का मिट्टी नहीं आएगी, नहीं आएगी ना, वो थोड़ी यहीं पे रहती है, जल्दी इतना भी हम देखिए, फिर भी थोड़ा साफ है, ये एक दो बार करेंगे तो मतलब फिर से करते रहेंगे तो काफी साफ हो जाएगा, और ये इतना हो जाता है कि ये पीने लायक होता है, अगर कुछ दिन बाद मतलब इसमें अच्छी एक लेयर बन जाती है, वो कुछ दिन बाद बनती है बैक्टीरिया, उसको उसमें बस फर्टाइल होगी उसका।